जय जगत। हमारे यहां मानवता ऐसे शब्द का गलत अर्थ निकाला गया है, इसलिए जब हम मानवता के बारे में बोलते हैं तो बहुत ट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जब आप समझ जाते हो तो बात अलग हो जाती है। शायद इसलिए होगा कि मानवाधिकार जो समितियां वगैरह है, उन्होंने इतिहास का पूरा अध्ययन किए बिना कुछ निर्णय लिए हुए हैं, कुछ बातें की हुई है, इसलिए शायद यह गलत वहमिया है। लेकिन मानवता तो बहुत व्यापक है, और जहां कल जैसे मैंने बोला अन्याय होगा, उसके विरुद्ध मानवता तो होगी ही होगी। तो शायद वो अन्याय हिंदुओं पे होगा तो उनकी तरफ जाएगी, हुआ है 1000 साल से, तो जाएगी उनकी तरफ। ये इतिहास भी पढ़ के अपना निर्णय लेना चाहिए। दलितों पे होगा तो मानवता उसके विरुद्ध जाएगी, ये तो है। और ये भी है कि हमने बिल्किस बानो के ऊपर हुए रेप्स का विरोध किया था, जुनैद के ऊपर जो हमले हुए उसका भी विरोध किया था, तो ये भी ठीक से समझ लो। ऐसे इंसिडेंट्स कम हैं, लेकिन उसका भी विरोध होगा, क्योंकि वो अनावश्यक अनढाई है, इसलिए उसका भी विरोध हुआ। तो हमें चाहिए कि मानवता का पूरा अर्थ समझ ले। मानवता है सबका भला, वो भी बता दिया है, इसमें भी कुछ नया नहीं बोल रहा हूं। तो मानवता है हमारे अंदर की भावना भी है, चाहे छोड़ दो उधर हिंदू मुस्लिम सिख सब छोड़ दो, आक्रमण वगैरह सब चीजों को छोड़ दो, लेकिन हमारे अंदर की भावना, हमारे घर में हम कैसे बर्ताव करते हैं, हमारे पत्नी से कैसे व्यवहार करते हैं, ये सब बातें मानवता से जुड़ी है। इसलिए केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, किसी एक विशिष्ट पंथ के लिए नहीं है, विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मेरे लिए भी है। तो मानवता में हम अपने हर व्यवहार का डिटेल में विचार करके उसमें जो योग्य है, दूसरे प्रति के प्रति अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, स्वार्थ की पराकाष्ठा ना हो, इस प्रकार का विचार करके हम हर चीज व्यक्तिशः और समूहशः जप करेंगे, तब है सच्ची मानवता। और इसलिए वो हर एक घर में भी आवश्यक है, क्योंकि कई घर की जहां पर मानवता की हत्या होती है, केवल कश्मीर में जो हुई वही नहीं है, कई घर होंगे जहां हर रोज मानवता की हत्या होती है। इसलिए हम सब ने यह व्यक्ति और समूह के नाते इसको सोच के अपने व्यवहार में लाना है। जो हमने बचपन में सीखा है वही है, सिंपल है, लेकिन वो व्यवहार में लाना है, यह है मानवता।